आज हम पढ़ते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास क्या होता है इट इज अ पॉइंट वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसेंट्रेट तो ऐसा पॉइंट जहां पर बॉडी का सारा मास हम एज्यूम कर सकें उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास it is a point it is a point where we can assume whole mass or extended body और एक्सटेंडेड बॉडी कैन बी सपोस्ट टू बी पॉइंट मास मतलब अगर कोई बहुत बड़ी बॉडी है और उसको हम पॉइंट मास मानना चाहें तो उसको पॉइंट मास जिस पॉइंट पर मानेंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर ऑफ मास अब सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक कुछ पॉइंट्स इट इज नॉट दैट सेंटर ऑफ मास इज एट सेंटर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर पे हो इट इज ऑल्सो

मोर मास जिस तरफ मास ज्यादा होगा सेंटर ऑफ मास उसकी तरफ होगा जैसे कोई सिमेट्रिक बॉडी है जैसे रिंग रिंग का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है रिंग जैसे होलोस्फियर का सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास सॉलिड स्फियर का भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे होता है ज्योमेट्रिक सेंटर पे लेकिन सपोज हाफ है हाफ है तो अब सेंटर पे नहीं होगा अब सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ होगा तो ये खिसक करके यहां आ जाएगा कहीं पर तो ये सेंटर ऑफ मास मोर मास की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है मोर मास की तरफ होता है जैसे एक प्लेट है उस प्लेट का सेंटर ऑफ मास डायगनल के इंटरसेक्शन पर होगा लेकिन सपोज मैं यहां पर दो मास और रख दू दो ब्लॉक रख दू मैं यहां पर तो सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ खिसक जाएगा जिधर ज्यादा मास होगा सेंटर ऑफ मास उधर की तरफ होगा मतलब सेंटर ऑफ मास मोर मास की तरफ होता है मोर मास की तरफ अगर सिमेट्रिक बॉडी होगी तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पर होगा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगल सेंटर ऑफ मास ऑफ अ ट्राइंगल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ मास कहां होता है सपोज कोई ट्रायंगल है ये मिड पॉइंट है ये साइड का मिड पॉइंट है ये साइड का मिड पॉइंट है, है इसको ज्वाइन कर दिया तो इस पॉइंट को हम कहते हैं सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन तो सेंटर ऑफ मास ट्राइंगल का मीडियंस के इंटरसेक्शन पे होता है और बेटर वी से इट इज एट सेंट्रॉइड तो हमने सेंटर ऑफ मास के कुछ पॉइंट्स देखे अब सेंटर ऑफ मास हम निकालते कैसे हैं? तो सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला होता है एम वन आर वन प्लस एम टू आर टू एम एन आर एन अपॉन एम वन प्लस एम टू एम एन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो ऊपर जो है वो हमने लिखा है मास इंटू पोजिशन वेक्टर तो मास इंटू पोजिशन वैक्टर को हम कहते हैं मास मोवमेंट क्या कहते हैं मास मूवमेंट तो मास मोमेंट को अगर हम टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा आर क्या है आर जो है पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जैसे कोई कोई पार्टिकल है उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है तो आर वेक्टर इज डिफाइंड एस एक्स आई प्लस वाई जी प्लस जेड की तो आर वेक्टर इस तरीके से डिफाइंड है एक्स आई प्लस वाई आई प्लस जेड की अगर हम इसको एक्स वाई जेड में लिखें एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आई प्लस वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास जी प्लस जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास की इज इक्वल टू एम वन आर वन को हम लिख सकते हैं पोजिशन वेक्टर के टर्म में एक्स वन आई वाई वन जी Z1 के ऐसे ही M2 के लिख सकते हैं X2 I Y2 J Z2 के डॉट 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 अपॉन नीचे आ जाएगा मास M1 M2 Mn तो अगर मैं इस फॉर्मूलों को कंपेयर करूं तो I के संग यहां पर आ रहा है X कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास तो इधर वाला टर्म आएगा एम वन एक्स वन एम टू एक्स टू डॉट 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 एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू एम एन तो अगर हमें x कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो हम ये फॉर्मूला निकाल सकते हैं सिमिलरली हमें y कोऑर्डिनेट निकालना है सेंटर ऑफ मास का तो एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम एन वाई एन अपॉन एम वन एम टू डॉट डॉट डोट एम एन सिमिलरली जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का निकालना है एम वन जेड वन एम टू जेड टू डॉट 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 एम एन जेड एन अपॉन एम वन प्लस एम टू डॉट डोट डॉट एम एन तो इस तरीके से हम हम इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा मास मोमेंट डिवाइड बाय टोटल मास करके हमें सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा अब हम समझते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम अगर दो पार्टिकल हैं उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं अगर दो पार्टिकल हैं उसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम तो एक तो तरीका यह है मास मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज जीरो तो अगर एक पार्टिकल एम वन है एक पार्टिकल एम टू है और इनके बीच का डिस्टेंस आर है हमें निकालना है वेयर इज सेंटर ऑफ मास मान लो इनका सेंटर ऑफ मास यहां कहीं लाई करता है और ये पोजीशन है एक्स और ये पोजीशन हो गई आर माइनस एक्स ये पोजीशन हो गई आर माइनस एक्स तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो मोमेंट होता है वो जीरो आता है मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जीरो आएगा तो मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट जी रहा तो इसका मास मोमेंट क्या होगा माइनस एम वन इंटू एक्स ये सेंटर ऑफ मास के लेफ्ट तरफ है इसलिए मैंने माइनस लिया प्लस एम टू इंटू आर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो पॉजिटिव लिया है क्योंकि ये राइट साइड में तो मैंने मास मोमेंट निकाला है सेंटर ऑफ मास के अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट मास मोमेंट जीरो होता है तो यहां से निकला आएगा एम वन एक्स इज इक्वल टू एम टू आर माइनस एक्स एम वन एक्स इज इक्वल टू एम टू आर माइनस एम टू आर माइनस एम टू एक्स तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू लर्न भी कर सकते हैं एक्स की वैल्यू आ जाएगी एम टू आर इंटू एम वन माइनस एम टू एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू तो दिस इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम एक और तरीका है सपोज सपोज ये वाला जो पार्टिकल है इसका मास एम वन है और इसका मास एम टू है इनके बीच की डिस्टेंस आर है और मुझे सेंटर ऑफ मास निकालना है सेंटर ऑफ मास की जो दूरी है वो है एक्स तो अगर मैं एक्स कोऑर्डिनेट निकालूं सेंटर ऑफ मास का तो हाउ शुड आई राइट एम वन इंटू एक्स वन प्लस एम टू इंटू एक्स टू अपॉन एम वन प्लस एम टू तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फार्मूला आ गया m1 वन इंटू जीरो प्लस एम टू इंटू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू ये मैंने जो पहले फार्मूला बताया था वो लगाया है तो x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का आ गया एम टू आर अपॉन एम वन प्लस एम टू तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं इन्हीं दो पार्टिकल्स का और भी सिंपल तरीक, तरीका लगा सकते हैं एम वन इंटू डिस डिस्टेंस मस्ट इक्वल टू एम टू इंटू डिस डिस्टेंस यानी एम वन एक्स इज इक्वल टू एम टू इंटू आर माइनस एक्स इससे भी सेंटर ऑफ मास निकल सकता है दो पार्टिकल का तो दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए एक्स कोऑर्डिनेट या इनके बीच में एम वन से एक्स पर मिलेगा सेंटर ऑफ मास अपॉन एम वन प्लस एम टू या फिर एम वन इंटू एक्स इज टू एम टू इंटू आर माइनस एक्स ये भी तरीका है निकालने का सेंटर ऑफ मास का या फिर फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकाल सकते हैं जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं एक बॉडी है फाइव किलोग्राम की और एक बॉडी है टेन किलोग्राम की और इनके बीच की दूरी वन मीटर है हमें इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां हो मान लो पांच किलोग्राम की बॉडी से एक्स दूरी पर है सेंटर ऑफ मास तो इधर से डिस्टेंस बचेगी ये वन है ये एक्स निकल गया तो ये बचा वन माइनस एक्स अब मैंने फॉर्मूला बताया है मास इंटू डिस्टेंस सेंटर ऑफ मास के अबाउट फाइव इंटू एक्स इज इक्वल टू टेन इंटू वन माइनस एक्स तो फाइव एक्स इज इक्वल टू टेन माइनस टेन एक्स फिफ्टीन एक्स इज इक्वल टू टेन तो x इज इक्वल टू टू बाई थ्री तो पॉइंट सिक्स सिक्स सेंटीमीटर तो हमने देखा सेंटर ऑफ मास दस के पास है मतलब दस के क्लोज है सेंटर ऑफ मास दस वाले मास के पास है ही इट्स नॉट एट द सेंटर होगा पॉइंट फाइव पे लेकिन हमें सेंटर ऑफ मास कहाँ मिल रहा है पॉइंट सिक्स सिक्स पे यानी इट इज़ टू द मोर मास अगर इस क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से करना चाहें तो ये फाइव किलोग्राम है और ये बेटा टेन किलोग्राम है इनके बीच की दूरी वन मीटर दी है अगर मैं इसको ओरिजिन मान लूं तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए जीरो जीरो और इसके हो होगा तुम्हारे वन कॉमा जीरो अब मैंने एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मा लगाया एम वन इं टू जीरो यानी एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फॉर्म लगाते हैं एम वन दिया है फाइव और ऐसे कॉर्डिनेटर जीरो एम टू दिया है टेन और कोऑर्डिनेट है वन अपॉन वन एम वन प्लस एम टू तो सॉल्व करेंगे तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास क्या आ रहे हैं टेन अपॉन फिफ्टीन यानी कि टू बाई थ्री दैट इज इक्वल टू पॉइंट सिक्स सिक्स या पॉइंट सिक्स सेवन आप जो भी समझें तो सेंटर ऑफ मास निकालने का दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं वो बताया है कि अगर दो पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास निकालना है तो हम इसे कैसे निकालेंगे अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसे सेंटर ऑफ मास हमें ज्यादा पार्टिकल का निकालना है मान लो ये दूरी वन मीटर है ये वन मीटर है यहां पर एक किलोग्राम का ब्लॉक रखा है यहां पर टू किलोग्राम का ब्लॉक रखा है यहां पर थ्री किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और यहाँ पर फोर किलोग्राम का ब्लॉक रखा है और ये जो है एक स्क्वायर है जिसकी साइड वन मीटर है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वन कॉमा जीरो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे वन वन इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा वन और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा जीरो क्योंकि ये टू डी बॉडी है तो इसमें हमें एक्स कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा और वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा तो एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे एम वन एक्स वन प्लस एम टू एक्स टू सो ऑन एम एन एक्स एन अपॉन एम वन प्लस एम टू प्लस एम एन इसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का भी हम सेम फॉर्मूला है एम वन वाई वन एम टू वाई टू एम एन वाई एन एम वन प्लस एम टू एम एन तो अगर मैं इस फॉर्मूले को लगाऊं एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास पहला वाला पार्टिकल वन पर है और उसकी पोजीशन जीरो है दूसरा वाला पार्टिकल टू किलोग्राम का है और उसकी पोजीशन वन है तीसरे वाले पार्टिकल की पोजीशन मास थ्री है और पोजीशन एक्स कोऑर्डिनेट वन है चौथे वाले पार्टिकल का मास जो है चार है और इसकी पोजीशन अगेन जीरो है एक्स कोऑर्डिनेट रखा है अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो सॉल्व करेंगे तो ये टू और थ्री टू और थ्री ये सॉल्व करके आ रहा है फाइव और ये तो जीरो डिवाइड बाय टेन तो सेंटर मास पॉइंट फाइव पे यानी एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर क्या सेंटर पे होना चाहिए अगर मैं देखूं इधर फाइव है टू और थ्री और टू इधर फाइव है और इधर भी फाइव है तो सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट बीच में होना चाहिए पॉइंट फाइव पर बिल्कुल सही निकला है अब वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालते हैं एम वन वन है और उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है एम टू टू है उसका वाई कोऑर्डिनेट भी जीरो है एम थ्री थ्री है इसका वाई कोऑर्डिनेट वन है और एम फोर फोर है इसका वाई कोऑर्डिनेट वन है अपॉन टोटल मास वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करके सेवन बाई टेन यानि पॉइंट सेवन यानि सेंटर से ऊंचा आना भी चाहिए नीचे नीचे मास है टोटल थ्री और ऊपर मास है टोटल सेवन तो सेवन की तरफ होना चाहिए सेंटर ऑफ मास तो सेंटर ऑफ मास के जो कोऑर्डिनेट आए हमारे वो आए पॉइंट फाइव कॉमा पॉइंट सेवन अब हम देखते हैं एक और क्वेश्चन जैसे ये हमारी एक्सेस है और ये एक एकटरल ट्रायंगल है यहां पर मास वन किलो जी है यहां पर टू के जी है और यहां पर थ्री के जी है और इसकी साइड वन मीटर दी है तो सबसे पहले अब हम फॉर्मला तो हमें मालूम ही है कौन सा लगाना है एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालने के फार्मूला तो हमें मालूम ही है लेकिन सबसे पहले हमें कोऑर्डिनेट लिखने पड़ेंगे तो कोऑर्डिनेट लिखना इस, इसके बड़े सिंपल है जीरो कॉमस ज़ीरो ओरिजिन के इसका एक्स कोऑर्डिनेट वन होगा और वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा अब इक्वल्टल ट्राइंगल में ये वाला जो पॉइंट है ये साइड को बराबर बराबर डिवाइड करेगा मैंने यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये बराबर बराबर डिवाइड करेगा तो ये वाली डिस्टेंस हो गई पॉइंट फाइव और ये भी डिस्टेंस हो गई पॉइंट फाइव तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो समझ में आ गया है पॉइंट फाइव लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट मान लो वाई है तो ये वाला एंगल सिक्सटी है तो मुझे वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा वाई अपॉन सिक्सटी सॉरी वाई अपॉन पॉइंट फाइव इज इक्वल टू तो y आ जाएगा 0.5 मतलब हाफ 1060 मतलब रूट थ्री तो इसके कोऑर्डिनेट आ रहे हैं रूट थ्री बाई टू तो इस तरीके से पहले कोऑर्डिनेट लोकेट करने पड़ेंगे इस टाइप के केस में फिर हम M1, x कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का फॉर्मा लगाएंगे एम वन वन है एक्स कॉर्डिनेट जीरो है एम टू टू है एक्स कॉर्डिनेट वन है एम थ्री थ्री है और एक्स कॉर्डिनेट पॉइंट फाइव है अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री सॉल्व करेंगे ये टू है ये वन पॉइंट फाइव है तो ये आ गया फोर पॉइंट फाइव अपॉन सिक्स फोर पॉइंट फाइव अपॉन सिक्स तो इस तरीके से हमने सेंटर ऑफ मास निकाला इस सिस्टम का ऐसी वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे एम वन वन है सॉरी एम वन वन है और वाई कोऑर्डिनेट जीरो है एम टू टू है अगेन इसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो है एम थ्री थ्री है और इसका वाई कोऑर्डिनेट रूट थ्री बाई टू है अपॉन वन प्लस टू प्लस थ्री तो ये सॉल्व करके आ रहा है थ्री रूट टू अपॉन सिक्स विच कैन बी रिटन एस रूट थ्री बाई टू तो इसको भी सॉल्व कर सकते हैं फिफ्टीन थ्री जो फोर्टी फाइव एंड फिफ्टीन फोर जो सिक्सटी थ्री बाई फोर तो इसके सेंटर ऑफ मास से कौन आ रहे हैं थ्री बाई फोर कॉमर रूट थ्री बाई टू तो इस तरीके से हम सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हैं डिस्क्रीट पार्टिकल्स का डिस्क्रीट डिस्क्रीट मतलब जो पार्टिकल अलग अलग दिए हुए हैं अगर बॉडी कंटिन्यूस है तो हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे उसके लिए आगे की वीडियो देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी तो सेंटर ऑफ मास ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ अ कंटिन्यूस बॉडी किसी कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे तो फॉर्मूला सेम है बस समीशन की जगह इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास अब हमें dm एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा छोटा सा मास लेना पड़ेगा तो dm एक्स dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास होगा वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इसी तरीके से जेड कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए जेड डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो इस तरीके का फॉर्मूला हमें सॉल्व करना पड़ेगा अगर हम किसी कंटिन्यूस बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हैं तो एक हम एग्जांपल कंटिन्यूस बॉडी का भी लेंगे सेंटर ऑफ मास निकालने का कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे किसी कंटिन्यूस बॉडी का अब मैं आपको एक कंटिन्यूस बॉडी रिंग का सेंटर ऑफ मास चाहता हूं सेंटर ऑफ मास ऑफ सेमी सर्कुलर रिंग सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग अब हमारे पास एक रिंग है सेमी सर्कुलर है तो अगर हम इसका सेंटर ऑफ मास निकालें अगर यह पॉइंट ओरिजन है तो सेंटर ऑफ मास ज्यादा मास की तरफ होता है तो जितना मास इधर है उतना ही मास इधर है यानी एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जीरो है और जीरो ही होना चाहिए दोनों तरफ सिमेट्रिक है रिंग तो सिमेट्री के हिसाब से ना इधर मास ज्यादा है ना इधर मास ज्यादा है तो सेंटर ऑफ मास इधर मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ही होना चाहिए इस लाइन पे होना चाहिए लेकिन वाई में सिमिट्री नहीं है वाई में ज्यादा मास ऊपर की तरफ है तो ऑफ मास यहां कहीं होना चाहिए ऊपर होना चाहिए ऑफ मास ओरिजन पे नहीं होगा ऑफ मास थोड़ा ऊंचा होगा तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा मान लो हमने एक एलिमेंट लिया यहां पर एक एलिमेंट लिया हमने यहां पर जिसकी लेंथ है अगर आर रेडियस है तो उसकी लेंथ होगी आर धी थीटा। कैसे निकाला मैंने ये एंगल डी थीटा है और हमने पढ़ा है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस तो आर्क की वैल्यू आ रही है आर धी थीटा। अब ये जो मास है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है लेंथ में और इस लेंथ ऑफ रिंग है पाईआर तो हमें इस एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा जो हमने एलिमेंट माना है इस एलिमेंट का मास निकालना पड़ेगा तो इस एलिमेंट का मास निकालने के लिए हमने सिंपल हम यूनिटरी मेथड लगा सकते हैं पाई आर लेंथ का मास एम है तो वन लेंथ का मास होगा एम अपॉन पाई आर तो आर डी थीटा लेंथ का मास होगा एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा तो डीएम जो आया वो आया सोल्व करके एम अपॉन पाई डी टीटा तो हमने डीएम लगा दिया डीएम हमने निकाल लिया है एम अपॉन पाई डी टीटा हमने डीएम निकाल लिया है एम अपॉन पाई डी टीटा अब हम वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाह रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास का जो फॉर्मुला था वो था इंटीग्रेशन ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm तो अब मेरे को इसका सेंटर ऑफ मास लोकेट करना पड़ेगा तो इसका सेंटर ऑफ मास इतनी हाइट पर होगा ये y जो होता है वो एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की हाइट होती है y क्या होता है यहां पर एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास की हाइट तो सेंटर ऑफ एलिमेंट माना है हमने डीएम तो उसका सेंटर ऑफ मास की हाइट मानी वाई तो वाई अपॉन आर अगर ये वाला एंगल थीटा ले लें तो वाई अपॉन आर होगा साइन थीटा। इट इज क्लियर दैट वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा तो इसमें मैं वैल्यू रख देता हूं वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू आर साइन थीटा फिर डीएम की जगह मैंने निकालाई है एम अपॉन पाई डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम डीएम छोटा एलिमेंट और उसका इंटीग्रेशन टोटल मास टोटल मास एम आने वाला है इस पूरी रिंग का इंटीग्रेट करके टोटल मास कितना होगा एम डीएम बता रहा है कि इसका टोटल मास एम होगा तो एम और एम कैंसिल हो गए तो हमारा आ रहा है आंसर आर अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा साइन थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस् थीटा अब लिमिट क्या रखी जाएगी जब मैं इस एलिमेंट को यहां से यहां घुमाऊंगा तो मेरा एंगल चेंज होने वाला है थीटा की वैल्यू चेंज होने वाली है जीरो से लेके पाई या जीरो से लेके वन एटी तो लिमिट आएगी जीरो से लेके पाई सॉल्व करेंगे इसे तो आर अपॉन पाई आर अपॉन पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस जीरो तो कॉस जीरो वन होता है कॉस पाई माइनस वन होता है ये सॉल्व करके आएगा टू तो सेंटर ऑफ मास ऑफ़ अर रिंग आएगा टू आर बाई पाई वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग आ जाएगा टू आर बाई पाई वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग आ जाएगा टू आर बाई पाई एक बार और क्लियर कर देते हैं कि हमने क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है तो हम एक बार और क्लियर कर देते हैं कैसे हमने सहमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास निकाला है ये एक रिंग है इसका सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट सेंटर पे ही होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है वो जीरो है जीरो ही रहेगा ये रिंग ऊपर की तरफ ज़्यादा मास है तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होगा तो इसके लिए हमने एक एलिमेंट ले लिया डीएम डीएम की जो हाइट है वो इसका सेंटर ऑफ मास की हाइट होगी डी के सेंटर ऑफ मास की हाइट तो वाई अपॉन आर साइन थीटा होगा तो वाई हो जाएगा आर साइन थीटा अब काम रह जाता है डीएम निकालने का तो ये जो मास है लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो पाई आर लेंथ का मास एम है वन लेंथ का मास एम पाई आर तो इस एलिमेंट की लेंथ आर डी थीटा है तो इसका मास होगा एम बाई पाई आर इंटू आर डी टीठा आर ऑर आर कैंसिल हो जाएगा एम अपॉन पाई डी थीटा तो डीएम मिल गया अब फॉर्मूले में रख दिया वाई डी दि एम अपॉन इंटीग्रेशन और डीएम तो वाई की जगह रख दिया आर साइन थीटा डीएम की जगह रख दिया एम अपॉन पाई डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन और डीएम डीएम मतलब छोटा एलिमेंट का मास और इसका इंटीग्रेशन टोटल मास मास तो टो 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 मास तो 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 टोटल टोटल हमें पता ही है रिंक का टो 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 मास एम है रिंग तो का डायरेक्ट दिया मैंने एम। तो ये एम और ये और कैंसिल हो गए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस थीटा और लिमिट थीटा कहाँ से मतलब ये एलिमेंट जब यहाँ होगा तो थीटा जीरो होगा जब ये एलिमेंट यहाँ होगा तो थीटा पाई होगा तो लि, तो लिमिट हो जाएगी जीरो से लेके पाई और कॉस पाई की वैल्यू याद रखनी है माइनस वन होती है कॉस वन एट्टी माइनस वन होता है सॉल्व करके वाई कोऑर्डिनेट आ गया आपका टू आर बाई पाई अब हम देखते हैं बेटा सेंटर ऑफ मास ऑफ अ हाफ डिस्क तो जैसे ये कोई हाफ डिस्क है और मुझे इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है तो अगर मैं ये लाइन लूँ इस पॉइंट को ओरिजिन मानूँ क्योंकि तो ये इधर और इधर सिमेट्रिक है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो होना चाहिए और क्योंकि सारा मास ऊपर की तरफ है तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं मान सकते हैं हम सेंटर ऑफ मास यहाँ ऊपर होना चाहिए तो एक्चुअली में हमें वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ मास का रिंग डिस्क की रेडियस आर है तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास होता है इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम तो डीएम निकालने के लिए पहले एक एलिमेंट निकाल लेना पड़ेगा तो इस केस में मैं जो एलिमेंट ले रहा हूं वो ले रहा हूं रिंग इस केस में जो एलिमेंट ले रहा हूं वो ले रहा हूं रिंग और रिंग की जो रेडियस है वो मान रहा हूं आर और थिकनेस को मान रहा हूं डी आर अब ये सारा मास जो है एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिस्क का जो मास है वो कैपिटल एम है सारा मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमें डीएम निकालते समय एरिया का एरिया निकालना पड़ेगा इस रिंग का डीएम निकालने के लिए एरिया निकालना पड़ेगा इस रिंग का तो इस रिंग की लेंथ पाई आर होगी और इस रिंग की थिकनेस डी आर है तो इसका जो एरिया हो गया पाई डी आर, आर हो गया एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग एरिया ऑफ एलिमेंटल रिंग अच्छा पूरी डिस्क का एरिया कितना है पाईआर स्क्वायर बाई टू तो पाई आर स्क्वायर बाई टू का मास है एम तो वन का मास होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर बाई टू और इस एलिमेंट एलिमेंट जो है वो है पाईआर पाई आर डी आर एर एरिया का मास कितना होगा एम अपॉन पाई आर स्क्वायर टू एंटू पाई आर डी आर डी आर पाई आर डी आर तो सॉल्व करेंगे पाई और पाई कैंसिल हो रहा है तो टू एम आर अपॉन आर स्क्वायर डी आर ये जो मास है ये एलिमेंटल रिंग का है तो so, एलिमेंटल रिंग का जो मास आया वो आया टू एम आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर अब इस एलिमेंटल रिंग का सेंटर ऑफ मास हम पहले ही निकाल चुके हैं कि सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंटल रिंग होगा 2R आर बाई पाई हाइट पे जो पिछले वीडियो में जो मैंने पहले बताया है 2R आर बाई पाई आया था इसका रेडियस r है स्मॉल r तो इसका जो एलिमेंट इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो 2R आर बाई पाई होगा वाई होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ एन एलिमेंट तो एलिमेंट या रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास रखना पड़ेगा यहां पर तो वाई कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास आएगा टू आर बाई पाई फिर डीएम लेंगे टू एम आर अपॉन आर स्क्वा डी आर और नीचे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटीग्रेशन ऑफ डीएम एम होता है एम और एम कैंसिल हो गए ये सॉल्व करके आ रहा है इंटीग्रेशन ऑफ फोर आर स्क्वायर इंटीग्रेट करेंगे फोर बाहर आ गया पाई बाहर आ गया आर स्क्वायर बाहर आ गया इंटीग्रेशन हमें करना है आर स्क्वायर का डी आर का धीरे धीरे करके अगर रिंग का साइज बढ़ाएंगे तो रिंग का जो मैक्सिमम रेडियस है वो हो जाएगा आर तो हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा जीरो से आर सॉल्व करेंगे फोर अपॉन पाई आर स्क्वायर और इसका इंटीग्रेशन आएगा आर क्यूब अपॉन थ्री लिमिट आएगी जीरो से लेकर आर जब हम इसमें वैल्यूड आर डालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा फोर आर अपॉन थ्री पाई तो ये रिजल्ट है डायरेक्ट रिजल्ट भी याद कर सकते हैं कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि डिस्क का सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पर होगा तो डिस्क का सेंटर ऑफ मास सेंटर से फोर आर बाई थ्री पाई हाइट पर होगा एक क्वेश्चन और देखते हैं अ रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैमडा इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर इफ लेंथ ऑफ रॉड इज एल फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास तो एक रॉड है वो रॉड जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है मास मास जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा वैसे वैसे मास बढ़ता जाएगा तो लीनियर मास डेंसिटी होती है डी एम बाई डी एक्स तो dm बाई डी एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है ए एक्स प्लस बी एक्सर और लेंथ ऑफ रॉड एल है तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालनी है तो सबसे पहले हम एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स दूरी पर तो हम एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स दूरी पर तो हमें मालूम तो है सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा एक्स डी एम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम और ये एक्स जो होता है सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम होता है तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम तो एक्स है तो ये एक्स ही रहेगा अब हमें यहां पर डीएम की वैल्यू डालनी है एक्स ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स ऐसे ही डीएम की वैल्यू नीचे डाल देंगे ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डीएक्स अच्छा लेंथ डी इसकी रॉड की लेंथ एल है तो एक्स की लिमिट होगी जीरो से लेके एल एक्स की लिमिट जीरो से लेके एल एक्स की लिमिट जीरो से लेके एल सबसे पहले हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं सबसे पहले हम इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा देखो ये हो गया ए चलो इंटीग्रेशन से पहले सॉल्व कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स क्यूब ये ऊपर वाला टर्म आ गया डी एक्स जीरो से लेके एल नीचे वाला टर्म आएगा एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स जीरो से लेके एल अब लिमिट अब इसको इंटीग्रेट कर दो तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी एक्स फोर अपॉन फोर लिमिट ज़ीरो से लेके एल अपॉन ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एक्स क्यूब अपॉन थ्री लिमिट जीरो से लेके एल सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ए एल क्यूब अपॉन थ्री प्लस बी एल फोर अपॉन फोर अपॉन ए एल स्क्वायर अपॉन टू प्लस बी एल फोर अप एल क्यूब अपॉन थ्री तो ये हमने लिमिट रख दी इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया भी हुआ है इस टाइप का सेम क्वेश्चन आया भी हुआ है तो आप समझ सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास हम कैसे निकालते हैं मैंने पूरी वीडियो आपको समझाई सेंटर ऑफ मास की अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और भी किसी की वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट में बताएं